नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरची न्यूज और बरेली में समाजवादी पार्टी में रात तकरार से जुड़ी खबर के साथ मैं हूं अनुरोध भारद्वाज। मिशन 2022 में यूपी के अंदर 400 सीटें जीतने का दावा कर रही समाजवादी पार्टी के नेता आपस में ही महाभारत करते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला बरेली का है, जहां सपा की मासिक बैठक के बाद जिलाध्यक्ष अगम मौर्या के सामने महासचिव सत्येंद्र यादव और ब्राह्मण नेता पूर्व विधानसभा अध्यक्ष मुकेश पांडे आमने सामने आ गए। विवाद की वजह मुकेश पांडे को महासचिव द्वारा बैठक में बोलने की अनुमति नहीं देना बताया जा रहा है। तनातनी इतनी बड़ी कि कुछ ही देर बाद समाजवादी पार्टी में लेटर बम फूट पड़ा। कुछ घंटे बाद सोशल मीडिया पर सत्येंद्र यादव के खिलाफ मुकेश पांडे का कथित लेटर वायरल हो गया। अभी लेटर की चर्चा चल ही रही थी कि मुकेश पांडे ने सत्येंद्र यादव के खिलाफ एक वीडियो भी जारी कर अपने दिल की भड़ास निकाल डाली। वीडियो में भी मुकेश पांडे ने सत्येंद्र पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। घबराया सपा संगठन इसके बाद डैमेज कंट्रोल की कोशिश में जुटा और रात होते होते जिला महासचिव सत्येंद्र यादव के खिलाफ आग उगल रहे पार्टी नेता मुकेश पांडे को किसी तरह से मैनेज कर लिया। मुकेश पांडे से दूसरा वीडियो भी सोशल मीडिया पर जारी करा दिया, जिसमें किसी तरह का लेटर लिखने की बात से इनकार किया जा रहा है। हालांकि पूर्व में जारी वीडियो को लेकर मुकेश पांडे मौन साधे हैं। जिला महासचिव सत्येंद्र यादव ने मुकेश पांडे के इस रुख को लेकर टीम कवर्ची से कहा कि बैठक में महासचिव होने की वजह से वह संचालन कर रहे थे, समय की कमी थी, इसीलिए मुकेश पांडे को बोलने का मौका नहीं मिला। इसे लेकर वह हल्का नाराज हो गए थे। हालांकि विवाद जैसी कोई बात नहीं हुई। मुकेश पांडे, पूर्व शहर विधानसभा अध्यक्ष समाजवादी पार्टी बरेली से, आज जिला कार्यालय पर मासिक बैठक थी। मैं मासिक बैठक में गया था तो सब अपने अपने विचार रख रहे थे, तो मैंने जिला महासचिव सत्येंद्र यादव जी से बोलने को कहा तो उन्होंने मुझे नहीं बुलवाया। तो मायूस होकर मैं जिला अध्यक्ष जी के कार्यालय में बैठ गया आके। सत्येंद्र यादव जी मीटिंग खत्म करके आए। सत्येंद्र यादव जी जब मीटिंग खत्म करके आए तो मुझसे बोले क्या हुआ। तो मैंने कहा भैया, मैंने आपसे बोलने को कहा, मैं 1992 से समाजवादी पार्टी की सेवा कर रहा हूँ और मुझसे ज़्यादा यहाँ पर वरिष्ठ कौन रहेगा। मैं वरिष्ठ होते हुए भी आपने मुझे नहीं बुलवाया। उन्होंने ये कहा कि तुमसे ज़्यादा कितने वरिष्ठ यहाँ पर पड़े हुए हैं। और मैंने ये कहा, मैंने ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ब्राह्मणों को सम्मान की बात कर रहे हैं और आप सब ब्राह्मणों को काटने की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं ऐसे ही ब्राह्मणों को काटूंगा, मुझे ब्राह्मण वोट नहीं चाहिए, तुम जाके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मेरी शिकायत कर देना। इससे पहले भी जिला पंचायत के चुनाव में इनने बीजेपी से साठगांठ करके जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर जो प्रत्याशी खड़ा था, प्रत्याशी को हराने का काम किया और जिसके बदले में भारतीय जनता पार्टी ने फतेहगंज ब्लॉक से अपना कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं करा बीजेपी का, और ये वहाँ से बदले में ब्लॉक प्रमुख बनाए गए हैं। मैं कहना पत्रकार बंधुओं से निवेदन करूँगा कि सत्येंद्र यादव जी जो जिला महासचिव हैं, इनके संबंध भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से हैं। मेरे साथ कभी भी कोई भी घटना घट सकती है, कोई भी मुझे नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। मैं मुकेश पांडे, पूर्व शहर विधानसभा अध्यक्ष, मेरे नाम से कोई फर्जी लेटर जारी हुआ है जिसकी मुझे जानकारी नहीं है और मैंने कोई ऐसा लेटर नहीं भेजा था। मैं उसका खंडन करता हूँ। सत्येंद्र यादव जी जो जिला महासचिव हैं, उनके मेरे घरेलू पारिवारिक संबंध है और कोई ऐसी बात नहीं है, उसको खंडन करता। बरेली में सपा नेताओं के बीच रार तकरार की कहानी नई नहीं है।
कुछ महीना पहले पार्टी के एक प्रदर्शन के दौरान महानगर महासचिव गौरव सक्सेना और उपाध्यक्ष शमीम अहमद के बीच जमकर तूतू में होती देखी गई थी। संगठन के कुछ और नेताओं में भी ऐसी ही महाभारत कई बार हुई है। अब समाजवादी पार्टी नेताओं के बीच जारी शीत युद्ध में पांडे बनाम यादव का नया अध्याय और जुड़ गया है। खबर चीफ ब्यूरो की रिपोर्ट। हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबरची न्यूज़।